अभी मैं यहाँ से जाने लगा हूँ KSRTC बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे बस मिल नहीं रही, तो बेसिकली इन्होंने सब कुछ अरेंज करके दिया, बताया मुझे। मैंने ऊबर बुक कर दिया है, ऊबर से मैं जा रहा हूँ अभी KSRTC। ये लोग अभी भी मेरे मजे ले रहे हैं। आई वॉन्ट डिलीट देम। भाई सुबह 5 बजे उठ गया था, वीडियो अपलोड पे लगा दी है, 9 बज गए हैं, स्कूटी देने का टाइम हो गया है वापस से, तो अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट स्कूटी देकर आता हूँ, और कुछ कैमरा वैमरा लेकर नहीं जा रहा हूँ, ऐसे फटाक से देकर आ जाऊँगा, और फिर मुझे 2 घंटे के अंदर 11 बजे तक यहाँ से निकल जाना है स्टेशन के लिए। स्टेशन या तो ट्रेन से जाऊँगा, ट्रेन की टिकट वैसे मिल नहीं रही, बट देखता हूँ या तो ट्रेन से जाऊँगा या बस से जाऊँगा, दोनों पास में ही है, तो वहाँ से मुझे जाना है फाइनली LAP मैंने डिसाइड कर लिया था, तो LAP निकल रहा हूँ। भाई साहब अपनी थोड़ी सी जो किस्मत है ना वो धोखा दे जाती है कभी कभी, तो किस्मत ख़राब है। आज फ्राइडे हॉलीडे गेट क्लोजिंग, अभी मैं आया हुआ हूँ बेसिकली मटानचेरी के एरिया में, और दिस इज़ डच पैलेस, जो कि काफ़ी सही है, घूमने लायक काफ़ी अच्छा है इस एरिया में, बट अभी गेट बंद है तो आई कांट डू एनीथिंग। बस मैं बाहर से एक स्नीक पीक आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसा लगता है। सो बहुत ही सुंदर सा पैलेस है ये, एंड दिस पैलेस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड अगेन 500-600 ईयर्स ओल्ड, तो काफ़ी सही होता बट यहाँ घूम नहीं पाऊँगा मैं। इफ़ यू हैव कम टू कोची और आप मटानचेरी के एरिया में रुके हुए हो, तो यू कैन सी कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर के डिफरेंस पे ही है फोर्ट कोची और मटानचेरी का एरिया, तो ऑलमोस्ट सेम एरिया में आता है, बीच में बाजार पड़ता है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड सा एरिया आता है। इस एरिया को कहते हैं मटानचेरी। जब मैं शुरू में आया था तो मटन चेरी बोल रहा, तो लोग हंस रहे थे। मटन चेरी नहीं है, मटान चेरी है। ऐसी छोटी छोटी प्रोनंशिएशन जो कि यहाँ के लोग करते हैं आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाए। एक मुझे कोजी कोड कैलीकट को कोजी कोडे लिखते हैं इंग्लिश में, जेड है, बट उसको ये लोग कोजी कोड ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, जो कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो मैं इसीलिए कैलीकट बोल देता हूँ, काम चल जाता है अपना। जू टाउन यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से मार्केट है द एंशियंट ज्यूइश सेटलमेंट मार्केट्स फॉर आर्ट एंटीक्स एंड क्राफ्ट स्पाइसेस। तो यहाँ पे तब से जो सेटलमेंट्स थी ज्यू की, वो अब तक यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट 600 ईयर्स लगा लो, हर चीज़ जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और स्ट्रक्चर और मार्केट तो जो जैसा है वो है ही। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी classy place, I would say. These all are oil paintings, right? Oil painting, watercolors. Wow. काफ़ी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, आर्ट पीसेज हैं यहाँ पे लगे हुए। सो बेसिकली दिस इज़ अ कैफ़े जहाँ पे आप बैठकर चिल कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, और यहाँ से अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सारी चीज़। हैंड मेड इंसेंस ओनिस्टिक बर्निंग मोर देन 1 आवर मोर देन वन आवर इट्स अ हैंड रोल इंसेंस, ओके, नेचुरल वन, ओके, एंड दिस ऑल यू गेट एसेंशियल फ्लावर ऑयल्स फ्रॉम द फ्लावर। Sorry. It's all essential flower oils from the flower. Okay. Based from the oil from the Hinko Boss. You can draw in skin. Yeah, please. Is a people don't know like what is inside. Just like brand shares a skin. Mm-hmm. In Kerala, we get essential pure oil. Wow. This is amazing. How much does it last? Full day it smells. Full day? All day it smells. Wow. Thank you, sir. So for a bottle like these, what will be the cost around? You get a small bottles, 500 to 300 is starting price.
300, 500, 1000, 1800. This is 500. Okay. This is 1000. This is 1000. This is 1800. This is 1800. Inside you get a roll-on. You can use it. Okay. You can use in roll-on. Okay. You can put just 2 drop in applying your skin. Huh. All day you get smells. क्या बात है. How old is this shop? This business started to 1958. 1958. Yeah. Oh, that's really, really old. And all these are currency from different countries, which has been gifted to them by different visitors. Bye. This street was really really good यार, बहुत सही था, मज़ा आ गया एकदम से ऐसा. ओ यार, मतलब अगर मुझे मौका मिले तो इस सिर्फ इस स्ट्रीट में मैं एक गाना शूट कर दूँ. इतनी खूबसूरत सी स्ट्रीट है ये. इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि नहाते नहाते दोबारा पसीने चलने लग रहे हैं. और इस धूप में भाई साहब 12 बज चुके हैं एंड टुडे इज़ 5th of March 2021. मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह से वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था. वो करना वाली सीरीज़ चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देख लो. और अभी मैं निकलने लगा हूँ फाइनली एलेप्पे. यहाँ से मुझे बस लेना है. बस विल टेक मी टू न्यू ब्रिज, थोपोल्ले या समथिंग एस लाइक दैट नाम है. और उसके बाद फिर मैं वहाँ से 60 किलोमीटर्स है एलेप्पे, सो वहाँ से दूसरी बस लूँगा और 60 किलोमीटर जाऊँगा एलेप्पे. बहुत धूप है, आराम से बात करता हूँ. भाई साहब, लैंग्वेज ना होने के कारण कितनी दिक्कत होती है. कितनी डाइवर्सिटी है यार हमारे कंट्री में. अपने कंट्री में नहीं समझ में आता एक दूसरे की बात. हेलो बच्चे मजे ले रहे हैं भाई मेरे. YouTube चैनल नहीं मारा भाई. हर तरफ लोग हाय बोल रहे हैं. से हाय यूऑल, से हाय. सर मुझे मिल गए थे यहाँ पे, इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी. अरे पूरी फैमिली के साथ थे यहाँ पे, बिल्कुल भी इन्होंने सबने हेल्प की है मेरी. काम मिले काम. मज़ेदार यार, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ. डिफरेंट और मज़ेदार एक्सपीरियंस है क्योंकि बस खाली है तो और मज़ा आ रहा है. भारी रहती है, थोड़ा सा कष्ट में बैठना पड़ता है, लेकिन अभी तो बहुत सही है. तीन सीट वाला एरिया है ये. इधर आ गया तो मैं और सामान मैंने ऐसे आराम से नीचे रख दिया है अपना. जब तक खाली है तब तक ऐश करता हूँ. राइट ऑन टाइम, बिल्कुल मस्त एकदम 1.5 घंटे में पहुंच गया. एक सेकंड, 2:43 हो रहा है. मैं बोलूँगा बहुत हवादार जर्नी थी और इस बस से आया था मैं. चलो अब ऑटो खोजते हैं और चलते हैं अपने होम स्टे के पास. ये होम स्टे जो मैंने लिया है ना, ये होम स्टे बिल्कुल बीच के पास है और 450 में है पर्सनल रूम. तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है क्या है. देखने से तो अच्छा लग रहा था, बट लेट्स सी. सो वेलकम टू एलेप्पे इन इंग्लिश, एलेप्पुड़ा इन मलयालम एंड एलेपुष्पा इन हिंदी. सो बेसिकली यहाँ के लोग झुकेंगे नहीं. I am really happy that I booked this stay. भाई 450 रुपये में वाईफाई के साथ एक पर्सनल रूम. और ये देखो रूम भाई साहब, बहुत सेक्सी है, बहुत सही है फॉर अ सोलो ट्रैवलर. बहुत बढ़िया है यार, पर्सनल स्पेस मिल गया, सामान वामान रखने को भी है बढ़िया सा, एंड अ पर्सनल वॉशरूम.
लाइक लुक एट दिस, सही है यार, काफ़ी क्लीन भी है, यहाँ से हवा बढ़िया आ रही है और ये बिल्कुल सामने बीच है भाई, मज़ा आ गया। नाइस स्टे, बस यहाँ तक वाईफाई का रेंज और वाईफाई की स्पीड अच्छी आ गया, वीडियोस तो आपको मिलेंगे। चलो अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपको घुमाता हूँ, मिलाता हूँ लोगों से, आसपास घूमता हूँ, सब करते हैं। भाई माई अल-फ़हम मंडी इज़ हियर, पता नहीं क्या क्या आता है इसमें और ये प्लेट्स वगैरह सब अरेंज हो जाता है यहाँ पे होम स्टे में, काफ़ी सही है। एक तो होम स्टे की सर्विस से मैं ऐसे ही खुश हूँ अलग से। फिर सैलड, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा भाई। अल-फ़हम मंडी, सो बेसिकली मैंने सजा दिया है वैसे जैसे एक अल-फ़हम मंडी दिखनी चाहिए और भाई ये रोस्टेड है, आई गेस रोस्टेड चिकन है एंड ये शायद टमेटो की प्यूरी और उसमें कुछ कुछ मिलाकर थोड़ा स्पाइसी सा बनाया हुआ है ये चटनी एंड दिस इज़ लाइक क्रीमी टेक्सचर वाला कुछ है ये। अभी मैंने इस फूड पे मैंने मतलब इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया बट जितना मुझे पता है पहले से कि ये मंडी जो है बेसिकली मांस में लोग खाते हैं एक थाली में बैठ के और बहुत सारे लोग खाते हैं मंडी, उसका ये छोटा फॉर्म है और ये मैंने क्वार्टर प्लेट मंगाया भाई, जितनी राइस है ना इतनी राइस और पड़ी है इधर, इतनी राइस और पड़ी है इधर, तो भाई समझ लो भाई अब रहा नहीं जा रहा। अल-फ़हम मंडी इसको नीचे बैठकर ही खाते हैं शायद। तो कहाँ से शुरू करूँ, ये पहले थोड़ा सा राइस ऐसे खाकर देखता हूँ और यार हाथ से खाया जाता है ये पहली बात, दूसरी बात कुछ नहीं खाओ। राइस में इतनी अच्छी सी खुशबू है ना, मज़ा आ गया एकदम। बिरयानी में जो खुशबू होती है ना वैसी खुशबू सिर्फ प्लेन राइस में है। नाउ विद दिस, इस पर जोमेटो पे जब ऑर्डर किया ना मैंने तो अल्ट्रा स्पाइसी लिखा था एंड दिस इज स्पाइसी, भाई साहब क्या टेस्ट है यार, ये नॉर्थ में क्यों नहीं मिलता है भाई, दिल्ली में मिलता है क्या कहीं? होम स्टे का टूर तो आपको देना बनता है बट ऊपर से कैसा व्यू दिखता होगा वो एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, लुक एट इट। और भाई साहब बहुत सेक्सी यार, मेन एलएपी बीच यही है और बट ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है तो काफ़ी साइड में आता है ये, जिस कारण से इस तरफ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। आप देखो जितनी भीड़ है वो उस तरफ है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है उस तरफ बट इस तरफ बिल्कुल शांति है और काफ़ी सही है। एंड दैट इज़ द बैल्कनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस होमस्टे की जो बैल्कनी है वो ये है, वहाँ से ये व्यू मिलता है तो आप समझ लो कि कैसा मिलता होगा व्यू। पता नहीं किसकी कश्ती है यार, वो बह जा रही है बीच मजदार में है वो कश्ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एल पुष्पा सो ठीक है, देखता हूँ कैसा रहता है यहाँ का सफ़र, कल से घूमना फिरना शुरू करूँगा, आज शाम में अगल बगल आसपास थोड़ा वॉक ले लूँगा, बाकी दैट्स इट, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जस्ट इन केस विच हैज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ये वीडियो देखी पूरी, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और ये देखो भाई साहब का हुआ, साथ ही साथ इंस्टाग्राम वगैरह की भी सारी चीज़ें चेकआउट कर लेना, एक बार स्टोरीज वगैरह अच्छी डालता हूँ, फोटोज़ वगैरह अच्छी डालता हूँ, लाइव अपडेट देता रहता हूँ ट्रैवल की, तो वो भी जाकर फॉलो कर लो और सब्सक्राइब वगैरह तो यहाँ कर ही दो। तो विद दैट, अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो नीचे UPI ID लिंक है, अगर इफ़ यू वॉन्ट यू कैन, नेवर माइंड, आई विल नॉट माइंड। तो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जल्दी मिलते हैं अगले दिन में जहाँ पे एलेपुड़ा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और इस सनसेट का टाइम लैप्स भी लेंगे। चलो जी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।